नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम सुक्खू बोले, इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मंगलवार को ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी हत्या से कुछ दिन पहले उन्होंने ओडिशा में एक जनसभा में कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा भी अगर इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आए। ठिठुरन बढ़ी, इस सीजन में थाबो का न्यूनतम पारा पहली बार -9.4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं मैदानी जिलों में कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ी है। इस सर्दी के सीजन में थाबो का न्यूनतम तापमान पहली बार -9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। केलांग सहित तीन अन्य स्थानों का न्यूनतम तापमान भी माइनस में चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बिलासपुर सुंदरनगर में 21 नवंबर तक सुबह व शाम को घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट है। उधर राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 3 दिन 23 से 25 नवंबर तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। भवनों का नक्शा पास करवाना हुआ महंगा, जाने अब कितनी चुकानी पड़ेगी फीस। हिमाचल प्रदेश में भवनों का नक्शा पास करना महंगा हो गया है। प्रदेश के नगर निगम और प्लानिंग एरिया में भवनों का नक्शा पास करने से लेकर भवन का उपयोग बदलने को लेकर सरकार ने नई फीस तय कर दी है। टीसीपी विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत प्रदेश के नगर निगम परिधि में भवन का नक्शा पास करवाने के लिए आवासीय उपयोग वाले भवन को 40 रुपये वर्ग मीटर की दर से फीस देनी पड़ेगी, जबकि कमर्शियल भवन के लिए 80 रुपये वर्ग मीटर तय की गई है। इसी तरह नगर निगम परिधि से बाहर प्लानिंग एरिया में आवासीय भवन के नक्शे पास करने के 30 रुपये वर्ग मीटर और कमर्शियल भवन के लिए 60 रुपये वर्ग मीटर की दर से फीस देनी होगी। इसके अलावा यदि भवन मालिक भवन का यूज चेंज करना चाहता है तो एमसी एरिया में 40 रुपये वर्ग मीटर और एमसी से बाहर वाले एरिया में 80 रुपये वर्ग मीटर की दर से फीस देनी होगी। भवन मालिक को 2500 रुपये तक वर्ग मीटर वाले एरिया के नक्शे के लिए 2500 से 10,000 वर्ग मीटर तक के 50,000 और 10,000 वर्ग मीटर से अधिक के लिए 1,00,000 रुपए की फीस चुकानी होगी। सचिवालय और विधानसभा तक कैसी नौबत आई, हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश के बाद जयराम ठाकुर ने ये क्यों कहा। हिमाचल हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार के हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने का आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी लिमिटेड को 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम न देने के मामले में ये आदेश पारित किया है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल भवन जैसे सम्मानजनक प्रॉपर्टी का नीलाम होना प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सोलन में बनेगा हिमाचल का पहला स्क्रैप सेंटर, जनवरी में शुरुआत, पुराने सभी वाहनों की हुआ करेगी खरीद। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी को जमीनी स्तर पर उतारने का कार्य शुरू कर दिया है। प्रदेश के जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बनलगी में प्रदेश का पहला स्क्रैप सेंटर खुलने वाला है। जनवरी में यहाँ पर कमर्शियल समेत निजी वाहनों के स्क्रैप के तहत खरीदे शुरू हो जाएगी। इसी के साथ कोई ऐसा वाहन जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो उसे भी यहां खरीदा जाएगा। प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहां पर 15 वर्ष पुराने वाहनों को लोग बेच सके। अब सरकार ने बनलगी में निजी कंपनी को एनओसी दी है। सुक्खू सरकार के 2 साल के जश्न में आएंगे राहुल, प्रियंका और खड़गे। अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी बिलासपुर आएंगे। इन्हें न्यौता देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द दिल्ली जाएंगे। 11 दिसंबर को बिलासपुर में हिमाचल सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की सभी विभाग जानकारियां भी देंगे। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दूसरे वर्ष में जिन योजनाओं को शुरू किया गया है उनके प्रचार प्रसार के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
धर्मशाला में 10 दिन बारिश नहीं हुई तो हो जाएगा पानी का संकट, सूखने लगे पेयजल के स्रोत। जिले में अगर 10 दिन तक वर्षा नहीं हुई तो पेयजल परियोजनाएं प्रभावित हो जाएंगी। 2 माह से वर्षा नहीं हुई है और इस कारण जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन कम हो गया है। मौसम विभाग ने बीते सप्ताह वर्षा को लेकर पूर्वानुमान जारी किया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। धर्मशाला शहर की पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत गजखड है। गजखड में पानी तो है लेकिन पहले से कम हो गया है। इसी तरह से मांझी व मनूनी समेत अन्य खड्डों में बीते 15 दिन में पानी का प्रवाह कम हुआ है। शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा गिरी भरमौर गरिमा मार्ग पर आधी रात को हुआ। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतकों की पहचान कमलेश कुमार पुत्र धर्म सिंह, तृप्ता देवी पत्नी विजय कुमार और चालक विजय कुमार निवासी संचुई तहसील भरमौर के रूप में हुई है।